हेलो दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं कला और संस्कृति के बारे में। 2019 में जो कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं थी उन्हें देखते हैं हम लोग। तो सितंबर माह की सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। नुआखाई जुहार उड़ीसा में फसल उत्सव मनाया गया। नुआखाई जुहार उड़ीसा में सीजन की एक नई फसल का स्वागत करने वाला एक फसल त्योहार है। यह मौसम की नई फसल का स्वागत करने के लिए उड़ीसा में मनाए जाने वाले सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है। यह पश्चिमी उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक त्योहार और कृषि त्योहार है। तो याद रखिए, नुआखाई है, नुआखाई जुहा अरे उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला है हमारा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के डेंडीगुल लॉक और कंदगी साड़ी को GITF प्राप्त हुआ है। चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने तमिलनाडु के डेंडीगुल लॉक और कंडा नगरी साड़ी को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक GITAG दिया है। इसमें कुल ऐसे स्वदेशी उत्पादों की संख्या 31 हो गई है जिन्हें तमिलनाडु में से GITAG मिला है। याद रखिए। अगला है नई दिल्ली में आयोजित नमस्ते प्रशांत सांस्कृतिक कार्यक्रम। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यूगिनी और फिजी जैसे प्रशांत देशों की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए नमस्ते प्रशांत नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यूगिनी और फिजी के उच्च आयोगों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अगला हमारा राष्ट्रपति ने मुंबई के राजभवन में भूमिगत वंकर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य की राजधानी मुंबई में राजभवन महाराष्ट्र के राज्यपाल का आधिकारिक निवास में भूमिगत वंकर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। वंकर की खोज पिछले साल महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने की थी। वंकर दक्षिण मुंबई के सिरे पर राजभवन तलहटी में दो समान तोपों के समान साथ स्थित है। अब बात करते हैं अगला, तो 17 अगस्त फारसी नव वर्ष नवरोज मनाया जाता है। फारसी नव वर्ष जिसे नवरोज या जमशेदी नवरोज के रूप में भी जाना जाता है हर साल 17 अगस्त को नए ईरानी कैलेंडर की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। फारसी में नव का अर्थ है नया और रोज का अर्थ है दिन और साथ में इसका अनुवाद नया दिन है। यह स्वास्थ्य, धन समृद्धि और उत्पादकता के लिए मनाया जाता है। अब बात करते हैं लेह लद्दाख में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव आयोजित। लद्दाख में जनजातीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लेह लद्दाख के पोलो ग्राउंड में आदिवासी आदि महोत्सव या राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह 9 दिन का महोत्सव है जो 17 अगस्त से शुरू होकर 25 अगस्त 2019 तक चलेगा। विरासत ए खालसा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज पंजाब के आनंदपुर साहिब शहर में स्थित खालसा संग्रहालय एक दिन में एशियाई उपमहाद्वीप में सबसे अधिक दौरा किए जाने वाला संग्रहालय बन गया। इसका नाम एशिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। संग्रहालय ने 20 मार्च 2019 को एक दिन में 20,569 आगंतुकों का रिकॉर्ड स्तर देखा है। अब बात करते हैं जुलाई 2019 की। तो पाकिस्तान ने पंजाब में ऐतिहासिक हिंदू मंदिर खोला है। पाकिस्तान ने स्थानीय हिंदू समुदायों की मांग पर विभाजन के बाद पहली बार पूजा के लिए पूर्वी शहर सियालकोट में 1,000 वर्ष पुराना हिंदू मंदिर खोला है। शहीद तेजा सिंह मंदिर शहर के भीड़भाड़ वाले दारोवाल इलाके में स्थित है जो लाहौर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। दिवंगत रशीद रियाज की किताब हिस्ट्री ऑफ सियालकोट के अनुसार यह 1,000 वर्ष से अधिक पुराना है। अगली बात करते हैं, प्रकाश जावड़ेकर ने 10वें जागरण फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने नई दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में 10वें जागरण फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। उन्होंने लोगों के जीवन पर सिनेमा के महत्व और प्रभाव पर प्रकाश डाला है और कहा है कि यह एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जोड़ता है। उन्होंने भारत में सिनेमा के ऐतिहासिक विकास और भारत की नरम शक्ति के एक ट्रांसपोर्टर के रूप में भारतीय सिनेमा के बढ़ते प्रभाव को याद किया है।
बात करते हैं हम लोग आई 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 एफ एफ आई का गोल्डन जुबली संस्करण गोवा में आयोजित मनाया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोल्डन जुबली संस्करण 20 नवंबर से 28 नवंबर 2019 तक पणजी गोवा में आयोजित किया जाएगा। ऑस्कर अकादमी के अध्यक्ष जॉन बेली और अन्य प्रतिष्ठित छायाकारों और निर्माताओं को इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया गया। रूस इस संस्करण में IFFI भागीदारी होगा। अगली बात करते हैं, पाकिस्तान में बाबा गुरु नानक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री ने नानकाना साहिब में बाबा गुरु नानक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। विश्वविद्यालय गुरु नानक देव उनके जन्म स्थान पर समर्पित है। यह विश्वविद्यालय 10 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। अगला है हमारा निशा गांधी मानसून राग संगीत समारोह। केरल पर्यटन ने तिरुवनंतपुरम के कनकक्कुत्तु में 5 दिवसीय वार्षिक निशा गांधी मानसून राग संगीत समारोह 2019 का आयोजन किया है। यह 20 से 24 जुलाई 2019 तक आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम ने कनक किकुतिरु के निशा गांधी सभागार में था। अगली बात करते हैं, सार्क फिल्म फेस्टिवल 2019 श्रीलंका के कोलंबो के राष्ट्रीय फिल्म निगम सिनेमा हॉल में आयोजित किया गया। वर्ष 2019 के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का 9वां संस्करण राष्ट्रीय फिल्म से निगम सिनेमा हॉल कोलंबो श्रीलंका में 2 से 7 जुलाई 2019 में से आयोजित किया गया था। अगली बात करते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में आयोजित की गई। यह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की अपनी भाई बहनों भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा को दर्शाती है। यह यात्रा पुरी में लगभग 17 किलोमीटर दूरी तक जाती है। अगला हमारा जम्मू और कश्मीर में चमलियाल मेला 2019 का आयोजन किया गया। अगला है सिंधु दर्शन उत्सव 2019 का 23वां संस्करण जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में सिंधु घाटी से में आयोजित किया गया। अगला है तेलंगाना में बोनालू उत्सव आयोजित किया गया। तेलंगाना के ऐतिहासिक गोलकुंडा किले के जगदम्बा मंदिर में वार्षिक बोनालू उत्सव आयोजित किया गया। बोनालू उत्सव का राज्य उत्सव है। अगला हमारा जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला धूमधाम से मनाया गया। कश्मीरी पंडित श्रद्धालुओं द्वारा खीर भवानी वार्षिक मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले में स्थित प्रसिद्ध राजन्य देवी मंदिर में हुआ। अगला ASI ने चौखंडी स्तूप राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल चौखंडी स्तूप को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। नोट, इस स्तूप को अपने 4 भुजीय योजना के 4 चौखंडी के नाम से जाना जाता है। अगली बात करते हैं, एलिफेंटा कला और संस्कृति महोत्सव। कला और संस्कृति के एलिफेंटा महोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में गेटवे इंडिया में हुई है। वर्तमान में एलिफेंटा गुफाओं का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। अगला है, त्रिपुरा वर्ष 2020 में 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन करेगा। त्रिपुरा भारत के 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन जनवरी 2 और फरवरी 2020 में करेगा। फिल्म महोत्सव का आयोजन विज्ञान तकनीक नवाचार ऊर्जा पर्यावरण कृषि और पारंपरिक ज्ञान को सरलता से रेखांकित करने के लक्ष्य के साथ किया जा रहा है। फिल्म महोत्सव यूनिसेफ यूनेस्को और विभिन्न देशों की फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म दिखाई जाएगी। इसमें त्रिपुरा और अन्य राज्य द्वारा भी निर्मित फिल्म भी शामिल होंगी। अगली बात करते हैं, महाराष्ट्र के महान हल्दी महोत्सव भंडारा महोत्सव को लोगों ने खूब धूमधाम के साथ मनाया। महाराष्ट्र में खांडोबा मंदिर में सोमवती अमावस्या के दिन भंडारा महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव के दौरान भक्तों ने सूर्य का वंशज माने जाने वाले देवता खांडोबा की पूजा करने और उनकी मड़ी और मल्या
देवताओं पर विजय की खुशी मनाने के लिए हल्दी पाउडर का उपयोग किया है। अगली बात करते हैं, नमस्ते थाईलैंड फिल्म महोत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ है। नमस्ते थाईलैंड फिल्म महोत्सव एक वार्षिक महोत्सव है जिसका आयोजन भारतीय और थाई फिल्मों के में अंतर दूर करने के लिए किया जाता है। अगली बात करते हैं, बेखो महोत्सव रहवा आदिवासी हिंदू महिलाओं ने गुवाहाटी असम के पंटन गांव में बेखो महोत्सव के दौरान रस्सा कसी के खेल में भाग लिया है। अगली बात करते हैं, उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुक में अमेसी वेली कर्नाटक की प्रथम सौर चलित ग्राम पंचायत बन गई है। अगली बात करते हैं, मेघालय के मुख्यमंत्री ने अरोमा मिशन की शुरुआत की है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने अरोमा मिशन की शुरुआत की और साथ ही री भोई जिले के वरवा गांव में इत्र तेल की प्रसंस्करण इकाई का भी उद्घाटन किया गया है। अगली बात करते हैं, लगभग 4 दशक बाद उड़ीसा में बांस धान देखा गया। आखिरी बार उड़ीसा राज्य में बांस धान को वर्ष 1979 में देखा गया था। कटक जिले में चंडका डनपारा वन्यजीव अभयारण्य के वन प्राधिकरण ने वन निवासियों को बांस धान एकत्र करने के लिए दरवाजे खोले खोल दिए। अगली बात करते हैं, नवरोज। नवरोज ईरानी नव वर्ष है जो दुनिया भर के कई नववंश भाषाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भारत में पारसी जो भारत पारसी धर्म का पालन करते हैं वे नवरोज मनाते हैं। 21 मार्च 2019 को नवरोज मनाया गया। अगली बात करते हैं हम लोग, नए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया है। अगली बात करते हैं, इस अवसर पर उन्होंने परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी अनावरण किया है और संस्थान परिसर में दीनदयाल संग्रहालय का दौरा किया है। अगली हमारी खबर है, उगादी या युगादी। उगादी महोत्सव कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाते हैं, याद रखिए। तो युगादी महोत्सव है ये कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला हमारा गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। बैसाखी अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला पंजाबी नया साल है जिसमें उसके द्वारा लोक नृत्य जैसे भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है और एक दूसरे को दावत दी जाती है। अगला हमारा पोंथ डू अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला तमिल नया साल है जिसमें वह अपना पारंपरिक भोजन मंगा पचड़ी तैयार करते हैं। अगला बात करते हैं, बोहाग बिहू। बोहाग बिहू असमिया नया साल है जिसे भी लोक नृत्य बिहू और भव्य रूप से अपने पारंपरिक भोजन प्रस्तुत करके मनाते हैं। अगली बात करते हैं, पोहेला बोईशाख बंगाली नव वर्ष है जो कई मिठाइयाँ बनाने के साथ मनाया जाता है। अगला है वेस्तु वर्ष। दीपावली के बाद आने वाले दिन को गुजरात में मनाया जाता है। राजस्थान में मारवाड़ी भी दीपावली के दौरान अपना नया साल मनाते हैं। अगला है विशु। एक केरल राज्य में अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला मलयाली नव वर्ष है। लोसुंग सिक्किम का नया साल है और कटाई के अंत में दिसंबर में पड़ता है, इसे छम नृत्य करके मनाया जाता है। अगला नवरेह। नवरेह कश्मीरी नव वर्ष चैत के हिंदू महीने में मनाया जाता है। अगला है घमोट को गोवा के धरोहर वाद्य यंत्र के रूप में घोषित किया गया। गोवा के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़ ने घोषणा की कि घमोट एक स्वदेशी मिट्टी के ड्रम को जल्दी गोवा के विरासती उपकरण के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। अगली बात करते हैं, धमोट एक स्वदेशी मिट्टी का ड्रम है जिसे मिट्टी के बर्तन के रूप में बनाया गया जिसमें मॉनिटर छिपकली की त्वचा उस बर्तन के मुंह पर फैली हुई है जिसे ड्रम हेड बनता है। घमोट गणेश चतुर्थी आरती के दौरान व्यापक रूप से बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। बात करते हैं, जनवरी से मई 2019 तक संस्कृति से संबंधित घटनाओं की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना आधारशिला रखी है। इस परियोजना में पवित्र तीर्थ स्थानों और उसके आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह से बदलने की कल्पना की गई है। यह बड़ा बदलाव 1780 ईस्वी के बाद से पहला जब मराठा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ के मंदिर और आसपास के क्षेत्रों की मरम्मत कराई थी।
स्थापित 50 फीट का गलियारा गंगा के मढ़ी कर्णिका और ललिता घाट को सीधे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से जोड़ेगा। परियोजना की कुल लागत है 650 करोड़ रुपए। काशी विश्वनाथ मंदिर पवित्र गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगली बात करते हैं नवरोज। नवरोज ईरानी ईरानी ईर नवरोज ईरानी नववर्ष है जो दुनिया भर के कई नववंश भाषाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भारत में पारसी जो पारसी धर्म का पालन करते हैं वे नवरोज मनाते हैं। 21 मार्च 2019 को नवरोज मनाया जाता है। अगली बात करते हैं नए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान। तो याद रखिए, देख लिया हमने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान की स्थापना उद्घाटन। अगली बात करते हैं हम लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है प्रयागराज कुंभ मेला 2019। प्रयागराज कुंभ मेला 2019 से निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। सबसे बड़ा यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना, मेरी शहर योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों का सबसे बड़ा पेंटिंग अभ्यास और सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र। कुंभ मेला पवित्र घड़े का महोत्सव दुनिया भर में कहीं भी सबसे बड़ा सार्वजनिक जमावड़ा और सामूहिक कार्यक्रम है। यह हिंदू तीर्थ कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पर 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का स्थान नीचे दी गई सूची में अनुसार 4 पवित्र स्थलों में से एक है। तो याद रखिए, उत्तराखंड में गंगा हरिद्वार, मध्य प्रदेश में छिपरा उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नासिक, उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम प्रयागराज में। तो याद रखिए, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और अपना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, प्रयागराज में। कुंभ मेले 2017 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित किया है। ये देख चुके हैं हम लोग पहले भी, गमोट को गोवा के धरोहर वाद्य यंत्र के रूप में घोषित किया गया। गोवा के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गौंड ने घोषणा की, गमोट एक स्वदेशी मिट्टी के ड्रम को जल्द ही गोवा के विरासत उपकरण के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। गमोट एक स्वदेशी मिट्टी का ड्रम है जिसे मिट्टी के बर्तन के रूप में बनाया गया है, जिसमें मॉनिटर छिपकली की त्वचा उस बर्तन के मुंह पर फैली हुई है जिसे ड्रम हेड बनता है। गमोट गणेश चतुर्थी आरती के दौरान व्यापक रूप से बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। अगली बात करते हैं, काठमांडू में शुरू हुआ है फेस्टिवल ऑफ इंडिया। महीने भर चलने वाला फेस्टिवल ऑफ इंडिया काठमांडू नेपाल में शुरू हुआ है ताकि देश की नई पीढ़ी दो देशों की समानता के बारे में जान पाए। अगला है, नई दिल्ली में हस्तशिल्प परिसर की आधारशिला रखी गई। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने नई दिल्ली में एक हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। इस परिसर का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम के बाद दीनदयाल अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प भवन रखा जाएगा। चलिए, तो ये था कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं 2019 की।